राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में शनिवार और रविवार को वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह ऐलान किया है। वहीं मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि ओमिक्रॉन संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ रही है और इसके लक्षण भी हल्के हैं, इसीलिए ज्यादा सख्ती पाबंदी लगाई नहीं जा रही है। दिल्ली में कोरोना को देखते हुए दिल्ली में क्या प्रमुख बदलाव किए गए हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो दिल्ली में शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आपको बता दें, शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। बेवजह घर से निकलने पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन या फिर वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों की ही आने की अनुमति होगी। मेट्रो और बस फुल कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकेंगी और साथ ही यात्रियों को मास्क पहनना भी जरूरी होगा। बगैर मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये तमाम पॉइंट से जो आज के मुख्य बिंदु रहे, क्योंकि आपको बता दें मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इन्हीं पॉइंट्स पर सबसे ज्यादा जोर देते हुए कहा कि अब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो जाएगा।